जो चमत्कार पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो चमत्कार यहाँ पर बजाज ने कर दिया। अपने पीछे खड़ी हुई है बजाज फ्रीडम 125, जो दुनिया की पहली ऐसी बाइक है जो सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल पे भी रन कर सकती है। आइए जानते हैं उसके बारे में पूरा। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीर्ष, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज अपने पीछे खड़ी है बजाज की फ्रीडम और एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो इसका करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम करने वाले आईफोन का गिव अवे। हम 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंचेंगे और यहां पर मिलेगा आपको आईफोन। फटाफट से देर किस बात की भैया, सपोर्ट करिए जिससे हम पहुंचे हमारे माइलस्टोन पे। चलते हैं इस वीडियो में आगे। इनफैक्ट ये गाड़ी इतनी खास है कि 1 रुपया किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट ये जो अपन जोमेटो राइडर वगैरह जितने भी रैपिडो राइडर वगैरह देते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेनिफिशियल वाली चीज़ है, क्योंकि उनके जो पैसे बचने वाले हैं ना भाई, जो पेट्रोल में 6-7 रुपये किलोमीटर खर्च करते थे वो यहाँ पर सीधा पर किलोमीटर पर 5 से 6-7 रुपये तक की भी कमाई यहाँ पर उनको हो रही है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है जो राइडर एक दिन के अंदर 60-70-100-150 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है उसके लिए। वेल उसी के साथ में नॉर्मल पब्लिक भी लेना चाहे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती वाला प्रोडक्ट जो है आज अपने सामने खड़ा है। फटाफट शुरुआत से बात कर लेते हैं क्या कुछ आपको ओवरऑल फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। ये वाला जो मॉडल अपने पास ये टॉप मॉडल है। वेल वैसे तो बेस मॉडल की बात करें तो 95,700 रुपये से बेस मॉडल यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, लेकिन उसी के अलावा सेकंड मॉडल अपने पास खड़ा है जो 1,13,000 रुपये का है, और उससे 6,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद में ये वाला मॉडल आपको मिलने वाला है। तो टॉप मॉडल दोनों अपने पास यहाँ पर खड़े हैं, आइए फटाफट से उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके जी, हमेशा की तरह शुरू करें चाबी से। तो कुछ ऐसी चाबी यहाँ पर अपन को देख रही है जिसमें बजाज का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, एंड 2 चाबी आपको गाड़ी के साथ ऑफर करी गई है। मिंडा की कीज़ आपको इसमें मिलती है, बाय द वे कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है। उसी के साथ में चाबी यहाँ पर लगा दें। उसी के साथ में यहाँ पर फ्रंट लुक की यहाँ पर बात करें तो देखो डिज़ाइन गाड़ी का आपको एकदम नॉर्मल बाइक वाला देखने को मिलने वाला है। इसमें कोई सीएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा अलग डिज़ाइन गाड़ी का यहाँ पर आपको ऑफर कर दिया या फिर एकदम ऑड सा आपको जो है डिज़ाइन यहाँ पर देखने में लगे। सिंपल सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन जो अपने और बाइकों का देखा वैसा लगने वाला है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पर ये गाड़ी मुझे देखने में लग रही है। जैसे फ्रंट लुक की यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एलईडी लाइट्स आपको इसके अंदर मिल रही है। इनफैक्ट सेकंड मॉडल है, इसमें भी आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती है। फ्रीडम का लोगो काफ़ी बड़ा सारा आपको देखने को मिलने वाला है। ब्लैक आपको ऊपर जो है यहाँ पर पूरा अपना मडगार्ड देखने मिलने वाला है, इसके साथ सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर देखने मिलने वाली है। अलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। बजाज का ऐसा कहना है कि कोई सा भी क्लाइमेट हो, कोई सा भी वेदर हो, सबके अंदर आराम से चल सकते हैं। अपना बारिश ले लो, गर्मी ले लो, धूप ले लो, किसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। इनफैक्ट कोई भी टेरेन पे आप चलाओ, मिट्टी में चला लो, आप इसको गीले के अंदर चला लो या फिर अपने पास पहाड़ पे चला लो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली बात इस गाड़ी के अंदर नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो सेकंड मॉडल है इसके अंदर डिस्क नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको डिस्क जरूर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो ब्रेक है उसका भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपके पास पूरा वायरिंग वगैरह मिल जाती है डिस्क से रिलेटेड। इनफैक्ट इधर साइड में चलोगे तो बजाज का लोगो और फ्रीडम लिखा हुआ आपको बैजिंग इधर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको गेज मिल जाएगा मैनुअल, अगर आपको किसी को प्रेशर वगैरह चेक करना हो सीएनजी वगैरह का तो इधर आपको पूरा गेज वगैरह पता लग जाएगा जिससे आप सीएनजी का प्रेशर वगैरह चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ दोनों गाड़ी के दोनों तरफ, एक तरफ आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है इधर की तरफ, और यहाँ पर फ्यूल टैंक अवेलेबल भी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर की तरफ नीचे फ्यूल टैंक इसका अवेलेबल भी है आपके पास, एंड अपने पास जो है यहाँ की तरफ आपको मिल जाता है गाड़ी का एयर फिल्टर। बाकी अपने पास सेंटर के अंदर मिलता है गाड़ी का जो पूरा सिलेंडर वगैरह है 16 किलो का, वो आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 किलो सीएनजी इसके अंदर आ जाएगी। सीएनजी के जो आने की भरने की कैपेसिटी है वो 2 लीटर की है, एंड 2 लीटर का ही फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। एंड समवेयर अराउंड अगर देखा जाए रनिंग कॉस्ट तो 1 रुपये किलोमीटर की गाड़ी आपको पड़ने वाली है। साइड की डिज़ाइन देख लीजिए, साइड की डिज़ाइन के अंदर ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी सुंदर आपको देखने मिलने वाला है। यहाँ ब्लैक और जो है सिल्वर कलर का आपको कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ में ये भी गाड़ी देखने में बढ़िया लग रही है। इनफैक्ट साइड में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो गाड़ी बहुत स्टाइलिश लग रही है। मेरे को तो भाई देखने में वैसे कुछ लग नहीं रहा ऑड सा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा क्या फील होने वाला है। पहले इनफैक्ट ये जो इंजन आपको मिलता है ये भी सेम सा ही देखने में लग रहा है, कोई खास चीज़ इसके अंदर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर गाड़ी के अंदर करा हो। पहले यहाँ पर गाड़ी गिरे करे उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा साइड का स्टैंड वगैरह देखने को मिल जाता है, पूरा प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है गाड़ी का। पहले यहाँ पर आपको ब्रेक वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे कुछ आपको फुट रेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, रियर के अंदर भी फुट रेस्ट है ऐसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देखने को मिल जाता है। इधर बाकी ग्राफिक्स वगैरह बढ़िया बने हुए हैं, ऐसे डियर वगैरह की ब्रांडिंग भी आपको इधर देखने को मिल ही जाती है। बाकी उसी के साथ में यहाँ पर सेंटर के अंदर सस्पेंशन आपको मिल रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट यह सीएनजी आपको जो मिलता है तो सीएनजी के लोग बस थोड़ा सा डरते हैं कि यार कहीं गाड़ी जो है गिर जाए, कर जाए, कुछ ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए हम बैठे रहें, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिक्योरिटी आपको पूरी गाड़ी के अंदर देखने मिलने वाली। इनफैक्ट बजाज ऑलरेडी जो है अपना ऑटो वगैरह बनाता आया है तो उनको पता है काफ़ी टाइम पहले से कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आपको जो है पूरा प्रोटेक्शन वगैरह करना है। तो यहाँ पर आप देखो इधर आपको पूरा जो है हर 2 साल के अंदर आपको इसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। बाकी उसी के साथ में सेफ्टी रेगुलेशन जो है AIS 028 लिखा हुआ है इसके अंदर, जो ऑटो वगैरह के अंदर भी अपन ने देखा है, तो उसी सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करके यहाँ पर बनाया गया है पूरा जो प्रोटोटाइप इसका गाड़ी का बनाया गया है। तो मतलब इसके ऊपर जो टेस्टिंग हुई है बजाज ने, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा के देख लिए, इसको गाड़ी से भिड़वा के देख लिया, किसी भी कंडीशन के अंदर यहाँ पर वो वाली शिकायत नहीं आई कि सिलेंडर वगैरह लीक हुआ हो। तो अगर लीक
नहीं होगा तो ब्लास्ट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी भाई मैंने बंद कर दिया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैक्सिमम लोड 3 kg लिखा हुआ है, तो कोई लोग बच्चों वगैरह को बिठा लेते हैं टैंक के अंदर, वो यहाँ पर बिठाना बिल्कुल रिकमेंड नहीं है अगर 3 kg से आपका बच्चा ऊपर है तो। बाकी यहाँ पर आपको CNG डलवाना हो, यहाँ से CNG डलवा सकते हो, फ्यूल डलवाना हो तो यहाँ से आप जो है फ्यूल गाड़ी का डला सकते हो। इनफैक्ट जो यहाँ से फ्यूल डलाओगे तो बहुत ज़्यादा संभल के डलाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 लीटर का टैंक है और ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर जा रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से डलाओ उसमें ही फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलता है। फिल पेट्रोल पंप फ्रॉम लास्ट लेफ्ट साइड, तो यहाँ से स्लोली यहाँ पर जो है पूरा उसको एक नंबर पर करके डलाओ, तब जाके थोड़ा सही रहेगा। बाकी इनफैक्ट आपके पास जो यहाँ पर डिस्प्ले मिल रही है वो अगर आपको दिखा दूँ तो गाइस कुछ ऐसी यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने मिल जाती है, टॉप मॉडल के अंदर ही आपको मिलने वाली है। सेकंड मॉडल की डिस्प्ले भी आपको बताऊँगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो मोड रीसेट वगैरह सब आपको बटन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको पूरा ब्रेक वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर अगर आगे करें इसको तो ब्लूटूथ वगैरह का फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। टॉप मॉडल में पेट्रोल मोड पे आ चुकी है गाड़ी, यहाँ बटन से ही आपको करना पड़ेगा इसके अंदर एडजस्ट, तो बटन वगैरह सारे यहाँ पर आप देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है, तो आप की यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, बाकी यहाँ से कर सकते हो। और मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ये स्टार्ट हो गई और एग्जॉस्ट भी तो लग रहा है गाड़ी का, सेम ही लग रहा है भाई, कोई फर्क एग्जॉस्ट नहीं लग रहा। जैसे पेट्रोल में भी है गाड़ी, हम पेट्रोल यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोल मोड, तो CNG में मैंने शिफ्ट कर दिया तो अभी CNG पे शिफ्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर अभी CNG में शिफ्ट हो गया, और CNG पे शिफ्ट करते हैं यहाँ पर हल्का सा, जैसे अपन जब चूल्हा वगैरह जलाते हैं गैस का पूरा स्टोव जलाते हैं तो ऐसे कट कट कैसी जैसे लाइटर की आवाज़ आती है ना, वैसी लाइटर की आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी आपको इनिशियली आने वाली है। CNG यहाँ पर देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट फुल, मतलब आधी टंकी कंसिडर कर सकते हो इसको, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसको रैप करें, CNG में रैप करें तो इसको वापस से पेट्रोल पर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉब दे रखा है जिससे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी उसी के साथ में हाई बीम का फंक्शन आपको इधर मिल जाता है, एंड अपना कॉल वगैरह पिक करना हो तो यहाँ से आप जो है कॉल वगैरह पिक कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह के लिए, बाकी हॉर्न वगैरह ऐसा है। और यहाँ पर ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आपको गाड़ी के ऊपर मिल जाते हैं, बजाज की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको एक USB पोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिलता है, तो बहुत ही काम की चीज़ यहाँ पर आपको ये ऑफर कराई गई है। इनफैक्ट अगर मैं आपको हाई बीम दिखाऊँ गाड़ी की, तो कुछ ऐसी हाई बीम आपको मिलती है, तो लाइटिंग का भी काफ़ी बढ़िया आपको प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है, कोई समस्या वाली बाइक बात आपको लाइट में यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी स्ट्रेचेस वगैरह जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सीट के अगर अपन बात करें तो देखो, सीट अगर यहाँ से हटाएंगे ना अपन तो इधर आपको CNG का पूरा टैंक देखने को मिल जाएगा, जो 2 लीटर की कैपेसिटी। इनफैक्ट यहाँ पर आपको हुक वगैरह भी दे रखे हैं, अगर बाई चांस आप सामान वगैरह कुछ रख के जा रहे हो तो आप उसको अच्छी तरीके से बांध सको, तो वो प्रोविजन भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी अपने पास यहाँ पर आपके पास अगेन फुटरेस्ट मिल जाता है, साइड फुटरेस्ट अपने पास यहाँ पर मडगार्ड वगैरह मिल जाता है, जो कीचड़ वगैरह उछल के गाड़ी के ऊपर ना लगे। चेन सिस्टम पूरा इधर दे ही रखा है, चेन प्रोटेक्शन आपको इधर दे रखा है, और उसी के साथ में रिफ्लेक्टर्स आपको इधर दे रखे हैं साइड साइड में, एंड रियर के अंदर भी रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी अपने पास ऐसे कुछ रियर लाइट यहाँ पर मिल रही है, ग्रैब हैंडल इधर मिल रहा है, इधर आपको इंडिकेटर्स गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कुछ ये सेटअप है। अब यहाँ पर बात करें तो देखो, दोनों मॉडल अप्रॉक्सीमेटली सेम से ही यहाँ पर लग रहे हैं, सारी चीज़ें ऑफर आपको कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें सेकंड मॉडल की, तो देखो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर पूरा अपना जो स्विच वगैरह मिलता है इस तरीके का मिलता है, हालांकि इसकी बैटरी एकदम डाउन हो रखी है अभी, पर इस तरीके का मीटर आपको इसके अंदर मिल रहा है, और इसके अंदर आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी प्राइसिंग की जैसे मैंने आपको बात बताई, बेस मॉडल की बात करें तो 95,700 रुपये शोरूम कीमत बेस मॉडल की है। सेकंड मॉडल अपना हो जाता है 1,05,000 का, एंड अपना जो टॉप एंड वेरियंट है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं वो आपको मिलेगा 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम। बाकी दोनों के अंदर आपको सेम यही चीज़ें देखने को मिलने वाली है, तीनों मॉडल के अंदर बस फीचर्स का फ़र्क है, बाकी अपनी जो रेंज हो गई, कैपेसिटी हो गई CNG की, पेट्रोल की कैपेसिटी हो गई, सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है किसी के अंदर। अब जैसे इसका बिल्कुल ही बेस मॉडल ले लोगे तो वहाँ पर आपको LED लाइट भी देखने को नहीं मिलेगी, इसके अंदर कम से कम LED लाइट तो मिल रही है, तो वही वाले फीचर्स के डिफरेंस है, जिनको जैसा सूट करे वैसा ले सकता है। इस वीडियो में इतना ही था, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।